नाम राडिया है, राडिया इंडस्ट्रीज, राडिया एक्सपोर्ट्स, राडिया। ए, पानी पिला रहे। चंदन की लाल लकड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे सारे ट्रक आपके गांव होकर बॉर्डर पार जाते हैं। अगर आप कहें तो हम आपको 40% शेयर देंगे, यानी के बैठे बिठाए करोड़ों की कमाई। वेस्ट मत कर। मैंने कुछ कम बोला क्या? महंगाई बढ़ गई है, ज्यादा रस्सी वेस्ट मत कर। ठीक है भाई, क्या भाव से लिया? आप किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच दच के जो आया है। अच्छा सोना, ये तो मेरा शौक है। दरअसल बात परमिट की है और आप मेरे परमिट हो। आपका एक इशारा और कोई भी उन्हें चेक पोस्ट पर एक भी सवाल जवाब नहीं करेगा, पर काम साइलेंटली होना चाहिए। मैं आपको 50 करोड़ दूंगा। इतना पैसा देगा तुम? अरे सुन बबलू। जी भाई। अपने चंदन खाते में कितना पैसा है बता रहे इस बबलू को? हाँ भाई, मैं आपसे करोड़ों की सौदे की बात कर रहा हूँ और आप है कि बैल और रस्सी की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो जाके जुलाब की गोली ले ले। चंदन के पेड़ काट कर तू उसकी स्मगलिंग करना चाहता है। मुझे हजम नहीं हुआ। गरीब किसान को बेरहमी से मारकर तुम्हारे ट्रक उनकी खेती उजाड़ दे, ये मुझे हजम नहीं। ये लंगूर मुझे घूर रहा है, ये आया साला मुझे हजम नहीं। ये इंसानियत का दरबार है, तेरे जैसे हैवानों का नहीं, इसलिए तेरा ऑफर मुझे हजम नहीं हुआ। 12 राज्यों में मेरा यही कारोबार धदेले से चल रहा है। हर गांव में मुझे एक ठाकुर मिल ही जाता है। तुम्हें अगर खटक रहा है, मैं किसी और ठाकुर को ढूंढ लूंगा। ठाकुर तो तुझे बहुत मिल जाएंगे, पर कमल ठाकुर एक ही है। भैया ने जिस काम के लिए मना कर दिया, वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ए ठाकुर, आज भी थारे पास कट्टा और लाठियों के अलावा कुछ ना है, और मारे पास मशीन गन और मिसाइल है। अगर एक मिसाइल दाग दी ना तो गांव उड़ जावे। गुस्सा हो या हथियार, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे माफ कर दो प्लीज ठाकुर, वो मेरा छोटा भाई है। तो बड़ा कर उसे, संस्कार डाल उसमें। यहां दोबारा आए तो गाड़ दूंगा दोनों को। खून की बू आ रही है, लेकिन कोई मरा नहीं है। एक बात भेजे में नहीं घुस रही है। आते समय गाड़ियां चीते की स्पीड में आई थी और जाते समय कछुए की स्पीड में जा रही है। कुछ लोचा तो जरूर है। अगर कोई घमंडी सांड साक्षात देवता को सिंह मारने की कोशिश करेगा तो उसका वध होना पक्का है। तुम्हारा भी तो यही हाल हुआ था। कमल, ये जाति है, अन्याय है। से आया मेरा दोस्त। अरे जाके जरा देख तो सही, ये नए दोस्त है कौन? काहे को? अबे दुश्मन का दुश्मन, अपना तो दोस्त ही भवाना। तुम चाहे दोस्तों की फौज खड़ी कर दो, उसका कुछ नहीं कर पाओगे, वो देवता की तरह है। आपको कोई लेडीज ढूंढ रही है साहब? क्या लेडी, पत्थर भर के फेस का ग्रेस ऐसा बिगाड़ूंगा कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा।
मैं कमल ठाकुर की फैमिली से हूँ, लेडीज का केस नहीं लेता। केस एक आदमी के खिलाफ है। अच्छा और क्या? शुरू हो जाओ। एक आदमी मेरे प्यार में पागल है। अच्छा? और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रहता है, पर बेवफा शादी करने से मना करता है। ओहो, तो तुम्हारे साथ कुछ ही कु करके भाग गया। वही तो नहीं हुआ, उस ढीले से कुछ होता ही नहीं है। केस तो मेरे केस जैसा लगता है। तुम्हारा ही केस है। तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और मुझे ये बात बताओ, शादी करोगे या जहर पी के मरोगे? क्या कर रही हो, सबके सामने अपनी लव स्टोरी ओपन मत करो। आगे चलकर शादी होगी तो कर लेंगे ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मेरे भैया कैसे, ना लड़कियों को देखते हैं ना दूसरों को देखने देते हैं। जिंदगी खत्म हो गई। घर में जाए तुम्हारा भाई, या तो तुम जाके अपने भाई से बात करो, वरना तुम्हारी नस काट के तुम्हारे खून से हमारी लव स्टोरी छपवा दूंगी। अरे शांत हो जा मेरी अनारकली, ये लव स्टोरी छापने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसा के रहूंगा, भैया से जाकर अभी बात करता हूँ और मामला सेट कर देता हूँ। भैया छोटे, मैंने हरा मसाला और खड़ा मसाला डालकर इसे बनाया है, ले चेक जरा। भैया गरम है, तीखा भी है। कितना ठंडा है, जल्दी जल गया। ए, तू हाथ दे। क्या बकवास ऐसे करेला करिए क्या? तड़का डाल रहे, नमक तो सही है ना, चख जरा। मैं एकदम मस्त है, भैया के साथ इसका टेस्ट भी गया। काला कोट, तेरे उस नए केस का क्या हुआ? कौन सा केस? नाम सुनते साला भाग गया। लगता है मार्केट में मेरा चरित्र बहुत ही पवित्र है, इसीलिए आज तक मेरे पे कोई केस नहीं है। ये पवित्र चरित्र की वजह से नहीं है, डर है, और इसी डर की वजह से मेरी जिंदगी की बैंड बज गई है। क्या कहा था, शादी करने से जिंदगी नरक बन जाती है, भाइयों में फूट पड़ जाती है। अगर ऐसी बात है ना, तो ये भाई आज विद्रोह करेगा, क्योंकि ये दिल का बहुत ही भोला है, इसका नाड़ा बहुत ही ढीला है। भैया ये है मेरी जाने मन, इसके लिए मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कर सकता हूँ। आ जाओ, हो जाए तो दो हाथ। कुंडली खोल। भैया इतनी जल्दी मान गए? भैया ये करीना है। भैया हनुमान के फोटो के बजाय इसका क्यों? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी। एक औरत के घर में आने से घर में उजाला हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी टेक्निकलर हो जाएगी। अच्छा इधर आ। क्यों भैया? खुले में समझाता हूँ। यहाँ क्यों नहीं, खुले में जरूरी है क्या? सामने वाले घर में क्या प्रोग्राम चलता है? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर महीने कई सारी लड़कियाँ यहाँ रहती हैं और कथक भरतनाट्यम जैसे नृत्य करती हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी तरह तमाशा करके उन्हें एक हफ्ते में यहाँ से भगा देते हैं। करेक्ट। सामने के घर पे लड़की आने से हमें इतनी एलर्जी है, तो जरा सोच कि इस घर में किसी नारी का गृह प्रवेश होगा तो कितना क्लेश होगा। और तू दूल्हा बनेगा। हमारे घर में लड़की का नाम लेता दिया। भैया इसका खून करके इसके खून से सारे घर को रंग दूंगा। यहाँ टाइम पास चल रहा है क्या? कोई अपने भाई को ऐसे मारता है? नहीं नहीं, चार लोग मिलकर इसे 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकते? क्या कहा, 5 मिनट? तो क्या, रुको रुको तो। प्लीज, मुबारक हो भाइयों, तुम सब टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट मतलब? सावन के महीने में सभी कुवारों का रोम रोम खड़ा हो जाता है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कमल ठाकुर का परिवार कभी नहीं बदलेगा और ना ही किसी को बदलने देगा। ये हुई मर्दों वाली बात। भैया को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम अकेले भागो और मैं भी अकेले भागता हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अकेले भागने दूंगी? तुम्हारे साथ इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से तुम मेरे गले पड़े हुए हो। सॉरी बेटा, एक हफ्ते बाद मिलने आओगी ना, वरना मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। आज शाम को आ जाओ ना। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ओए ओए। तो फिर इतनी किस दो कि पूरा हफ्ता आराम से निकल जाए। किसी ने देख लिया तो? हमें यहाँ कौन देख सकता है? ये मैंने क्या देख लिया, ये तो मेरा भाई है। अबे ओए, ए वो लड़का कहाँ गया? कौन लड़का? झूठी कहीं की, अभी बताता हूँ, पकड़ के लाता हूँ उसे। ए लिंगा रुक, बता दूंगा। अरे सुन ना यार, ए लिंगा, भैया कहाँ है? भैया कहाँ है पूछ रहा हूँ तो बता। अबे जा यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लिंगा मेरे भाई, मेरी बात तो सुन ना। भैया कहाँ है? नहीं पता भैया कहाँ है, कहाँ है? लिंगा जो तूने देखा वो सच नहीं है यार। एक उल्टा हल्का देता हूँ तुझे, बस में जो लड़की थी वो सच नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ये सच नहीं है क्या? या मेरा भाई चारा जमा कर रहा है वो सच नहीं है? चारा घोटाला? जो हम देखते हैं हमेशा सच नहीं होता। ए शिवा, यहाँ पर क्या चल रहा था? मैं तो इसे घास डाल रहा था। ओ प्रियंका नमस्ते। हम सब की कहानी एक जैसी है। मेरी दीपिका। वाह भाई वाह, एक बस की टिकट काट रहा है।
वाह, सुनो जी, डरा दिया। ये करीना है और ये मेरी काटती है जेब। शालू, तुम इतने दिनों से भैया को धोखा दे रहे हो, उन्हें अगर पता लग गया तो क्या होगा? हा? अरे तो क्या होगा, डांटेंगे, मारेंगे, इन्हें घर से निकाल देंगे, तो हम भी उनसे दूर चले जाएंगे। अब ये सोचो कि करना क्या है। भैया का टिकट कटवा देते हैं। ये क्या कर रहा है? मतलब प्यार का टिकट कटवा देते हैं, भैया को लव में डालते हैं। कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सुना है कि प्यार में तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है, भैया के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जरूर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है। मतलब शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, उन्हें किसी बात का सदमा लगा होगा। ये तो सिर्फ एक आदमी बता सकता है, अपने चाय वाले यादव चाचा जो भैया को बचपन से जानते हैं। हाँ, तुम्हारा भाई जब छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था। हर सोमवार को वो लड़की शिव मंदिर में गाना गाने आती थी। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहा हो, उस लड़की को देखने मंदिर में जरूर आ जाता था। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कभी कभी मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता, अचानक उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। ए छोटू, टाइम हो गया है, ठाकुर साहब को चाय दिया। ठीक है चाचा। हर आधे घंटे में चाय क्यों भेजते हो? कुछ देना है तो शादी करने की सलाह दो ना। आपकी चाय पी पी कर भैया ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ए, इस चाय के बारे में कुछ मत बोलना। बेचारा मेरी दुकान पर जी तोड़ मेहनत किया करता था। जब दोपहर को उसे खाना खाने देता तो वो खाता नहीं था, बल्कि अपने साथ पोटली में बांध कर ले जाता था। मैं उससे पूछता कि खाया क्यों नहीं, तो कहता था कि मुझे चार भाइयों का पेट भरना है। मैं उससे पूछता फिर तू क्या खाएगा, तो कहता चाय पी के पेट भर लूंगा चाचा। भैया चाय। स्कूल गया था? हाँ भैया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। वेरी गुड।